हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते बैक टू बैक एक्सेल ट्रेनिंग वीडियोस के बाद आज कुछ नया लेके आया हूँ। जब हम हर कंपनी में काम करते हैं तो हर बंदे का एक इंडिविजुअल एक बेनिफिट देती है कंपनी, जिसका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ओके, जब नया कंपनी ज्वाइन करते हैं या एक दूसरे कंपनी में हम स्विच करते हैं तो एक हमें EPF की सुविधा दी जाती है, जिसमें कंपनी भी कुछ बेनिफिट देता है और प्लस कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसमें से एक बेनिफिट है ये EPF। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपनी हमें PF दे रही तो कितना दे रही है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना UN एक्टिवेट करना पड़ता है। UN का मीनिंग है यूनिक अकाउंट नंबर, जो कि एक ऐसा अकाउंट नंबर है जो हर एम्प्लॉयज़ को, एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम UN कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो हमेशा की तरह हमें जाना है गूगल पेज पे, और गूगल पे यहाँ पे डालना है epf.gov.in। ओके, और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आके कनेक्टेड है, देखते हैं। तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम गूगल में epf.gov.in डालते हैं, उसके बाद ये EPF का वेबसाइट ओपन होता है और यहाँ पे हमें जो भी नोटिफिकेशन क्लोज करना पड़ता है, जब हमें जाना है हमेशा की तरह सर्विसेज में, और यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, हमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉयज़ में। करने के बाद ये आएगा, एक हमें ऑप्शन देगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ओके। तो दोस्तों, सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्विसेज में और कुछ ऑप्शंस है, सर्विसेज है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, डाउनलोड से। तो यहाँ पे हमें जाना है सेकंड वाला ऑप्शन, मेंबर UN ऑब्लिक ऑनलाइन सर्विस। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, यानी कि मेंबर ई सेवा, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो यहाँ पे लिखा है UAN, उसका एक होम पेज है जहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर खुद का आपका UN ऑलरेडी एक्टिवेट है तो यहाँ पे आप UN नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक्टिवेट UN करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टिवेट UN पे क्लिक करूँगा, और ये बाकी के जो ऑप्शन है नो UN, तो इस पर भी आप क्लिक करके आपका UN का स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक एक्टिवेट UN पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीका आपके सामने एक स्क्रीन आएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट योर UAN, डिटेल्स टू बी एंटर्ड बिलो शुड बी एज पर EPFO रिकॉर्ड, यानी कि जब आपने कंपनी ज्वाइन करते समय जो भी डिटेल्स दिए हैं वही डिटेल्स EPF में अपडेट किए होते हैं। अगर वही डिटेल्स वहाँ पे अपडेट किए हैं तो सेम यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका UAN एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, तो हम एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्या पहले UAN है, देन आपका मेंबर आईडी यानी कि PF नंबर है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आधार नंबर है, पैन नंबर, ये चार चीज़ें आप यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, अगर मेरे पास UAN है तो UAN डालूंगा, और मेरे पास PF नंबर है तो PF नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी स्टेट में काम करते हैं आप वो स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, सपोज़ मैं महाराष्ट्र यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, देन आपको यहाँ पे जितने भी आपके उस स्टेट के अंदर जितने भी फील्ड ऑफिस है और जिस फील्ड में ऑफिस में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो फील्ड ऑफिस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और आधार नंबर आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, हम प्रायोरिटी दे देंगे इसको UAN को। UAN से क्यों की दे देंगे, क्योंकि जब कंपनी ने हमारा UAN नंबर क्रिएट किया है तो उसके हिसाब से हमें ईजी जाएगा करने के लिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं डालता हूँ मेरा खुद का UAN नंबर। ओके, ओके, तो यहाँ पे UAN नंबर मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है मुझे कि UAN तो डाल दिया, अभी आपको नए दूसरे ऑप्शंस क्या डालना पड़ेगा। अभी आपको उसके साथ ही आपका नाम भी डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी मैं डालूँगा। ओके, एडिट ऑफ बर्थ, मेरा अभी मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर भी आपको वो डालना है जिस टाइम पे अपनी कंपनी ज्वाइन करते समय
दिया है वो आपको डालना है। ओके तो यहाँ पे मैं डालता हूँ। ओके और यहाँ पे आपको एक कैप्चा डालना पड़ेगा। ओके टू क्यू आई के और मैं गेट ऑथोराइजेशन पिन, यहाँ पे गेट ऑथोराइजेशन पिन करने के बाद मुझे ये मोबाइल जो ये यही अगर नंबर अपडेटेड है तो मुझे ये आएगा। ओके क्या आएगा, एक पिन आएगा, ऑथोराइज पिन आएगा। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरा यूएन नंबर भी आया है, मेरा नाम भी आया है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी, यानी एकदम परफेक्ट मैच हुआ है। और यहाँ पे आया है डिस्क्लेमर आया है कि आई डिक्लेयर दैट द डिटेल्स प्रोवाइड अबव बिलोंग्स टू मी, आई अंडरस्टैंड दैट माय मोबाइल नंबर विल बी रिकॉर्डेड एंड इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ माय फैसिलिटी एंड फॉल्स, ये इस डिस्क्लेमर इसको हम क्या करेंगे, आई एग्री करना पड़ता है। ओके आई एग्री करना पड़ता है और यहाँ पे हमें ओटीपी डालना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मुझे ओटीपी आया है मेरे मोबाइल पे, मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर किया है। ओके अब मैं कहूँगा वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएएन, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके यहाँ पे मेरा एरर आया था अभी जस्ट कि दिस यूएएन इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, प्लीज़ गो बैक एंड यूज़ फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। ओके तो अगर आपका यूएएन सचमुच एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद योर यूएएन इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली करके यहाँ पे एक पॉपअप आता है। अदरवाइज आपके आपका ऑलरेडी यूएएन अपडेटेड है, एक्टिवेटेड है, तो आपको यहाँ पे मैसेज आता है कि योर यूएएन इज ऑलरेडी अपडेटेड। तो मेरा एक यूएएन अभी अपडेटेड था इसलिए मुझे एरर आ रहा है। ओके तो इस तरह से अगर आपका यूएएन एक्टिवेट नहीं है तो आप खुद यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं इसके ज़रिए, आधार या यूएएन नंबर या मेंबर आईडी या पैन नंबर के ज़रिए। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पे आप पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।